नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि भारत के अंदर जो आतंकी हमले करने के लिए या फिर भारत के खिलाफ जो भी साजिश करने के लिए, यहां पे दंगे कराने के लिए जो फंड जनरेट होता है, वो फंड कहाँ से जनरेट होता है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप अपने देश के लिए, आप अपने समाज के लिए यदि 2 मिनट का समय निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। यदि आपके पास अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए यदि 2 मिनट का टाइम नहीं है, वीडियो बंद करके चले जाइए भैया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये फंड जनरेट करते हैं, जो भारत के अंदर जो आतंकी हमले होते हैं, जो पुलवामा अटैक हुआ और भी 9/11 का जो हमला हुआ, इस तरीके के जो भी अटैक होते हैं, उनके लिए जो फंड है, मोटा फंड कहाँ से जनरेट होता है, वो फंड जाता है आपकी पॉकेट से। आपको पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपकी पॉकेट से जाता है, आप जागरूक नहीं होते हैं, इसके कारण से जाता है। इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा कि कैसे आपकी पॉकेट से ये फंड जाता है और किस तरीके से आप इसे रोक सकते हैं, ताकि हमारा पैसा हमारे खिलाफ यूज नहीं हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है अलग अलग तरीके के कॉल आते हैं, वॉइस कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, आपके पास जगह जगह से व्हाट्सएप पे कॉल आता है, स्काइप पे आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, कहीं से भी आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिल सकता है, जहां पे आपको लालच दिया जाएगा कि आपकी लॉटरी लगी है, ये लगा है, वो लगा है, आपको एक अच्छा सा लालच दिया जाएगा। पहली बात सोचने की ये है कि यदि आपने कोई लॉटरी भरी ही नहीं, तो आपकी लॉटरी लग कैसे सकती है, मेरे को एक बार ये सोच के बताइए। आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए, क्या आपकी इस तरीके की कोई लॉटरी लगती है? और भैया, लॉटरी लग गई तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? अब जो है लालच में आ जाते हैं कि इसका पैसा कैसे मिलेगा, तो उस जगह आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल या फिर किसी भी तरीके की आपका आधार कार्ड नंबर आपसे मांग लिया जाता है आपके आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, और आपको लालच में लेके बहुत अच्छे तरीके से मैन्युपुलेट करके आपसे आपका मोबाइल का ओटीपी ले लिया जाता है, और आपके अकाउंट से जो भी पैसा है वो ट्रांसफर कर लिया जाता है दूसरे अकाउंट में। जो पैसा आपके खिलाफ यूज किया जाता है, आप ही के समाज के खिलाफ यूज किया जाता है, हमारे देश के खिलाफ यूज किया जाता है, यहां पे हमले किए जाते हैं और हमारे जो सिपाही भाई हैं वो शहीद होते हैं, सिर्फ हमारी इस एक गलती के कारण की ये जागरूकता हमारे पास नहीं है। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी ही जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, कि आपको एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति से आपने लॉटरी जीत लिया, आपका व्हाट्सएप नंबर लॉटरी जीत लिया है, 25 लाख की, 5 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, कोई भी अमाउंट ही आपको बता सकते हैं। उसके लिए बोलेंगे कि आपको ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे ही कॉल कीजिएगा, तब आपको वो जो लॉटरी मैनेजर है राणा, मिस्टर राणा, वो आपको बताएंगे। दरअसल वो कोई मिस्टर राणा नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर बैठा है एक मुल्ला है, जो आपको मैनिपुलेट करके आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेके आपका पैसा निकालेगा। तो एक ऐसी वीडियो वॉइस कॉल है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तो वो वॉइस कॉल आप सुनिएगा, उसके अंदर आपको क्या है आप खुद सुन के देखिएगा। तो चलिए मैं ये वॉइस कॉल जो है वो प्ले कर रहा हूं, एक बार सुनिए इसे ध्यान से, आप फिर बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे। केवीसी कौन बनेगा करोड़पति की ओर से आपके लिए गुड न्यूज है। आप जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपके इस व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए का लॉटरी खुला है, आपको केवीसी की ओर से बधाई पेश करते हैं। केवीसी कौन बनेगा महा करोड़पति में 5000 नंबरों पे पार्टिसिपेट सिलेक्ट रहा हुआ था, आपका नंबर सिलेक्ट था, आपका नंबर भाग्यशाली रहा है। आपके व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए का लॉटरी लग चुका है। अगर आप ये लॉटरी का पैसा कैश करना चाह रहे हैं, तो फाइल पहुंची हुई है, फाइल के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है, ऐड करो, अपने व्हाट्सएप में ऐड करो, ऑफिसर राणा प्रताप सिंह होंगे, वो आपका वेट कर रहे हैं, लॉटरी के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। फाइल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप का नंबर है, डायलिंग कॉल नहीं होगी, अपने व्हाट्सएप में ऐड करो। ये आपने एक वॉइस क्लिप है जो आपने सुनी है, जिसके अंदर जो आपको जो लैंग्वेज बोली जा रही है, जिस तरीके से लैंग्वेज बोली जा रही है, उससे आपको ये साफ अनुमान होता है वहां पे पाकिस्तान का बैठा कोई मुल्ला ये बोल रहा है। यदि हिंदी भाषा के अंदर ये वॉइस रिकॉर्ड की जाती, तो इसके अंदर कहीं भी मुकम्मल शब्द का प्रयोग नहीं होता, और ये मुकम्मल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये पाकिस्तान के अंदर उर्दू भाषा के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है, और ये इसी तरीके से आपका जो पैसा है वो निकाल लेते हैं, और वो आपके ही खिलाफ यूज किया जाता है, आपके ही भाई मरते हैं दंगों के अंदर, आपके ही जो बहनें हैं वो विधवा हो जाती हैं इन्हीं दंगों के अंदर, जो आपके भाई जो आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं वो भी इन्हीं का शिकार होते हैं। ये सिर्फ जो है एक जागरूकता की कमी के कारण फैल रही है,
और इसके अंदर जो मोस्टली जो टारगेट होते हैं वो होते हैं सीनियर सिटीजन और हमारी माताएं बहनें जो हैं वो ज्यादा इसका शिकार हो जाती हैं क्योंकि वो जल्दी लालच में आ जाती है और उन्हें नहीं पता है। इसकी जो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको जो कंट्री कोड दिखाया गया है वो कंट्री कोड +92 यानी पाकिस्तान का कंट्री कोड दिखाया गया है। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, आप एक भारत के जागरूक नागरिक है, तो मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने बुजुर्गों को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा, माताओं बहनों को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि वो इस बात को समझ सके। और सीधी सी बात है, आपको फ्री में कोई 25 लाख रुपए नहीं देने वाला है, वो आपके अकाउंट से आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन लेके इस तरीके के रुपए निकालने की आपके अकाउंट से कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सारी मिल जाएंगे, आप वहां पे मेरे को बताइएगा मैसेज करके, हम आपकी आवाज उठाएंगे यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपसे निवेदन है यदि वीडियो में कुछ भी आपको लगा जो जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके और पास आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर करना जरूरी है। आप वीडियो को लाइक कीजिए मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपके मोहल्ले के, आपके गांव के, आपके आसपास के रिश्तेदार के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाइएगा। हो सकता है आप तो इससे समझदार हो, आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन आपके बुजुर्ग, आपके पिताजी, आपके ताऊजी, आपके मामा जी, आपके चाचा जी को, उनको इस वीडियो के बारे में, इसके फ्रॉड के बारे में नहीं पता होगा, तो उन्हें इसके बारे में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।